हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मूवीज़ एक्सप्लेन इन हिंदी। दोस्तों, आज हम एक रोमानियन मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है 4 Months, 3 Weeks and 2 Days। यह फिल्म 2007 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 स्टार आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज पर इट्स 96% फ्रेश। बिफोर वी स्टार्ट दोस्तों, हाल ही में मैंने एक हिडन नाम की जोम्बी मूवी भी एक्सप्लेन की है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे दे रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सेट है रोम के एक टाउन में और साल है 1987 का। यहाँ हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट एमी और बेक को देखते हैं। ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हॉस्टल में रहती है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि 2-3 दिनों बाद इनके एग्जाम है और ये दोनों कहीं जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही है। यहाँ एमी किसी चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन में होती है और ये बात हमें मूवी के प्लॉट में पता चलेगी कि वो बात क्या है। अब बेक हॉस्टल के ही ग्रोसरी स्टोर में कुछ सामान लेने जाती है, तब भी एक गार्ड आकर बेक को बताता है कि आज 10 बजे एमी के डैड उससे मिलने आने वाले हैं। बेक अब तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड माइक से मिलने जाती है। यहाँ दोनों बहुत सी बातें करते हैं। बेक यहाँ माइक से कुछ पैसे भी उधार लेती है। यहाँ माइक बेक को अपनी मम्मी के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है जो कि उसी दिन रात में होने वाली थी। पहले तो बेक सीधा मना कर देती है पर माइक के बहुत इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। अब बेक यहाँ से एक होटल जिसका नाम एडमायरल होता है वहाँ चली जाती है। यहाँ एक्चुअली एमिन ने एक रूम बुक किया होता है पर वहाँ पहुँचने पर रिसेप्शनिस्ट बेक को बताती है कि यहाँ एमी के नाम से कोई भी रूम बुक नहीं है। बेक यहाँ उस औरत से काफ़ी रिक्वेस्ट भी करती है पर वो औरत बेक को यह कहकर वहाँ से भगा देती है कि उनके पास कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। अब बेक यहाँ से एक दूसरे होटल में जाती है जिसका नाम होता है ओशन ब्रीज। पहले तो यहाँ की भी रिसेप्शनिस्ट उसे रूम के लिए मना कर देती है पर बेक के बहुत रिक्वेस्ट करने पर और 3 गुना ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी होने पर वो मान जाती है। रूम बुकिंग के दौरान रिसेप्शनिस्ट बेक को पूछती है कि तुम्हें रूम क्यों चाहिए, तो बेक उसे बताती है कि अगले मंडे उनके एग्जाम हैं और स्टडी के लिए उन्हें रूम चाहिए। वहीं से बेक एमी को कॉल करके पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है और नए होटल का नाम भी बताती है और साथ ही में कुछ और पैसे साथ लाने को भी बोलती है। अब यहाँ एमी बेक को एक टॉम नाम के बंदे से मिलने को बोलती है। एक्चुअली एमी खुद ही उससे मिलने वाली थी पर सडनली उसके डैड के आने की वजह से वह वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। अब बेक डिसाइडेड जगह पर जाके टॉम को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद टॉम भी वहाँ आ जाता है। अब बेक टॉम की कार में बैठ जाती है। पहले तो टॉम एमी के खुद ना आने पर चिढ़ जाता है पर बेक के उसे समझाने पर वो समझ भी जाता है। अब बेक टॉम को लेकर फिर से उसी होटल में आ जाती है। यहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि एमी पहले ही होटल पहुँच चुके हैं और रूम में भी जा चुके हैं। अब बेक और टॉम भी रूम में चले जाते हैं और यहाँ मूवी का प्लॉट रिवील होता है। एक्चुअली एमी अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट थी और वो यहाँ टॉम से अबॉर्शन कराने आई थी। एक्चुअली ये वो टाइम था जब रोम में अबॉर्शन कराना इलीगल था और इसके लिए उन्हें जेल भी हो सकती थी। अब टॉम के एमी को चेक करने पर हमें पता चलता है कि वो 3 मंथ से प्रेग्नेंट है और उसने टॉम को झूठ बोला था कि वो सिर्फ 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। अब टॉम इन दोनों को इसकी सीरियसनेस समझाता है और साथ में ये भी बताता है कि इसके लिए इन पर मर्डर चार्जेस भी लग सकते हैं जिससे इन्हें फांसी भी हो सकती है, पर दोनों अबॉर्शन कराने पर अड़ी होती है। अब टॉम एमी से कुछ चीज़ें भी पूछता है जैसे कि उसका ब्लड ग्रुप, एलर्जीज और उसका ब्लड प्रेशर, और अब वो उन्हें पूरी प्रोसीजर भी बताता है। वो ये भी बताता है कि एमी के साथ अगले 2 दिनों तो कंटिन्यूस उसके फ्रेंड बैक को रहना पड़ेगा। इस पूरी प्रोसीजर के दौरान एमी बिल्कुल भी हिल नहीं सकती, इसमें उसका बहुत सा ब्लड भी निकल सकता है जिसे बैग को साफ करना होगा। इन दिनों में ना कोई सर्वेंट अंदर आना चाहिए ना बैग बाहर जा सकती है। अब बैग टॉम से पैसों को लेकर निगोशिएट करने लगती है। यहाँ हमें रिवील होता है कि टॉम यहाँ इन दोनों के साथ इंटीमेट होना चाहता था। पहले तो वो दोनों मना कर देती है पर इवेंचुअली बैग इस सब के लिए मान जाती है। इसके बाद टॉम एमी को ऑपरेट करता है और उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे इसके बाद कैसे सब चीज़ों को क्लियर करना है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेक यहाँ एमी से काफ़ी नाराज़ हो गई थी पर फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए वो वहीं रुक जाती है। कुछ देर बाद बेक
अब माइक के मॉम के बर्थडे पार्टी के लिए एमी को अकेला छोड़कर चली जाती है। पार्टी में भी बेक बहुत अपसेट होती है। यह माइक बेक को अपनी मॉम और डैड से भी मिलवाता है। यह माइक के मॉम की बहुत सी फ्रेंड्स आई होती है, जो कि मोस्टली डॉक्टर्स ही होती है। यहाँ अब सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद जब बेक एक गेस्ट से सबके सामने सिगरेट लेती है, तो उनमें से एक गेस्ट लॉस्ट वैल्यूज और बड़ों की इज्जत के बारे में बात करने लगता है। इस सब से बचने के लिए माइक और बेक माइक के रूम में चले जाते हैं। यहाँ बेक माइक को एमी के अबॉर्शन के बारे में सब कुछ बता देती है। यहाँ इन दोनों में बहुत सी बहस भी होती है, एज माइक अबॉर्शन के खिलाफ था। अब बेक एमी को यहाँ से कॉल करती है, पर एमी कॉल रिसीव नहीं करती। इससे परेशान होकर बेक माइक के मॉम और डैड को बिना बाय बोले ही वहाँ से चली जाती है। होटल पहुँचने पर बेक को एमी बेड पे ही लेटी मिलती है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो चीज़ वॉशरूम में है। अब बेक उस चीज़ को जैसे टॉम ने बताया था सेम उसी तरह डंप कर देती है। होटल रिटर्न लौटने पर वो दोनों होटल के रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। यहाँ एमी बोलती है कि वे दोनों इस सब के बारे में अब कभी बात नहीं करेंगे और ये फिल्म यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के थ्योरी के बारे में। एक्चुअली ये फिल्म है दो फ्रेंड के लॉयलिटी के बारे में, जो हर एक समय में एक दूसरे से कैसे लॉयल रहते हैं। के दूसरे फैक्ट के बारे में बात करें तो इस फिल्म में एक सीन है जो कि डिनर सीन है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेक यहाँ डिनर कर रही है। एक्चुअली हम यहाँ देख पाते हैं बेक यहाँ फिजिकली तो है, लेकिन मेंटली वो अपनी फ्रेंड एमी के साथ में ही होती है। ये सीन इंस्पायर्ड है लियोनार्डो डा विंसी की एक पेंटिंग जिसका नाम है द लास्ट सपर, और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी बिल्कुल करें ही करें। थैंक यू।